चलिए, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग यहाँ पर न्यू क्लासेस में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ टाइप है प्रेजेंट टेंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम लोग इस चीज को ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर परफेक्ट टेंस भी है, कंटिन्यूअस टेंस भी है, इसका मतलब कुछ तो सेटिंग है, इसका मतलब आपस में कोई कनेक्शन तो होगा। परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, बिल्कुल आपका सोचना बिल्कुल सही है। यहाँ पर सेटिंग है, यहाँ पर बिल्कुल दोनों का आपस में कॉन्टेक्ट रहेगा। इट मीन्स कि परफेक्ट टेंस में का कुछ आएगा इसमें, और कंटिन्यूअस का भी कुछ आएगा। कंटिन्यूअस का आएगा क्या, जैसे कंटिन्यूअस का हम बताए कि जहां जहां कंटिन्यूअस आएगा वहां पर हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है। इट मीन्स इसके स्ट्रक्चर्स में वर्ब फॉर्म का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगा। अब हम लोग इसमें समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें खासियत क्या है। जैसे हमने सेंटेंस बोला था कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ चुका हूं, और इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, चाहे सुबह से पढ़ता रहा हूं, पढ़ता रहा हूं, चाहे फिर सुबह से पढ़ रहा हूं, ता रहा हूं, ती रहे हैं। ये जो सेंटेंस के वाक्य के अंत में जो आएगा, इससे हम समझ जाएंगे समय रहेगा प्लस कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस रहेगा, रहा रही रहे, समझ जाएंगे कि ये गोइंग ऑन है। इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसका पहचानने का सिंपल रूल यही है, तरीका यही है। जैसे एग्जाम्पल, इसके भी तीन स्ट्रक्चर जो होंगे अफर्मेटिव के, उस पर ध्यान देंगे हम लोग। इसको एक बार ध्यान से समझ लेंगे आप तो बाकी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे एस वन प्लस हैव बीन प्लस एस टू चलिए अब हम लोग यहां समझेंगे इस चीज को कि अब जो है हैव बीन, देखिए परफेक्ट टेंस का उपयोग कर लिया गया, हैव उससे ले लिया गया, हैज भी उससे ले लिया गया, एक साथ में बीन जोड़ा गया है क्योंकि कंटिन्यूअस है, बीन जोड़ा गया, बीन के साथ में कंटिन्यूअस के लिए वी फॉर्म लगाया गया, ऑब्जेक्ट लगाया गया, सिंस और फॉर लगाया गया। यहां से ध्यान देने वाली बात है कि आपको नया और अजीब सा दो वर्ड नजर आया, सिंस और फॉर। आपको पहला क्वेश्चन आपका होगा कि सर सिंस और फॉर कहां इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसलिए समझना होगा कि सिंस जो है फिक्स्ड टाइम के लिए, फिक्स्ड टाइम के लिए, जैसे बोलेगा सुबह 9 बजे से 1950 से, जो फिक्स टाइमिंग दिए रहेंगे उसके लिए सिंस लगाएंगे, और फोर नॉट फिक्स्ड टाइम, जिसमें फिक्स टाइम नहीं क्लियर होगा। एग्जाम्पल में जैसे 4 दिनों से 4 days 5 days 2 months 2 महीने से, मीन्स जहां पर टाइम क्लियर नहीं होगा, जहां पर टाइम बिल्कुल ही क्लियर नहीं होगा, टाइम पता ही नहीं चलेगा, उसमें कंफ्यूजन होगा तो वहां फोर लगाएंगे, और जहां टाइम फिक्स पता होगा वहां सिंस लगाएंगे। अब आप लोग देखेंगे कि इसका बनेगा कैसे एग्जांपल, ये स्ट्रक्चर थे उसके एग्जांपल, उसके बाद मैंने सिंस और फोर का आपको यूजेस बताया। अब हम लोग इस सेंटेंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे, उस चीज को हम लोग देखेंगे यहाँ पर आखिर कैसे स्ट्रक्चर्स बनता है और कैसे
चलिए एग्जाम्पल कर पढ़ते हैं। मैं सुबह 6 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। चाहे मैं सुबह 6 बजे से अंग्रेजी पढ़ता रहा हूँ, दोनों सेम चीज है। चलिए हम लोग आगे बनाते हैं इसका। मैं आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। कब पढ़ रहे हैं? सुबह 6 बजे से। टाइम क्लियर है? सुबह 6 बजे से। इंग्लिश सिंस 6 AM। सिंस 6 AM लगा दिए, सिंस 6 o'clock मॉर्निंग, दोनों चीज हम लोग लिख सकते हैं। चाहे फिर 6 AM, AM से ही पता चल जाएगा ये हमारा मॉर्निंग में है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट के लिए स्ट्रक्चर लिखेंगे। तुम 2 दिनों से सो रहे हो, मीन्स